ना अब बच्चे बच्चे आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट बोथ एक साथ आती हैं, इवेंट इज द आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, इस 1-2 पॉइंट के बाद आप लोग अपने नोट्स पे लिखते जाओगे, थर्ड फोर्थ ये सारे ना नोट्स फॉर्म करने कॉपी के अंदर। बेटा मैं आपको बुक में ही टिक करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने नोट्स फॉर्म करते रहोगे। तो 1-2 मेरा थर्ड पॉइंट होगा, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्या पेज, मेरा मेरी बुक में 1.3 पर है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये आपको थर्ड पॉइंट नोट करना है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है, तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पक्का नेक्स्ट पे आ रहा हूँ बेटा। इसके बाद स्ट्रेट अवे आया पीछे पेज 1.4 पे, पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग से होती है। बस आपको खाली जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे ध्यान देना है, रिकॉर्डिंग जो हम जनरल एंट्री करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या है, रिकॉर्डिंग। तो कोई पूछे जनरल एंट्री का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग अगला स्टेप क्या होता है आपका, क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग का आंसर क्या है, लेजर पोस्टिंग, जो हम लेजर अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्या है, क्लासीफाइंग। थर्ड क्या है, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये क्या होता है आपका समराइजिंग, अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है, खाली जो मैं टिक करा रहा हूँ। फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ इंटरप्रेटिंग, सिक्स कम्युनिकेटिंग। पहला स्टेप क्या था बेटा, जो हम लोग अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको कभी कभी हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। कोई कभी पूछे आपसे अकाउंटिंग साइकिल क्या क्या होती है, तो आप कर सकते हो आंसर, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल एंट्री। देन के आगे अगला आपका क्लासीफाइंग, जो हम अकाउंट बनाते हैं, पोस्टिंग वगैरह करते हैं, क्लासीफाइंग। थर्ड क्या आगे, समराइज करना, ट्रायल बैलेंस, P&L। फोर्थ उसे एनालाइज करना, समझना, इंटरप्रेट, उसको अगेन समझ के कोई इंपॉर्टेंट बातें निकालना, इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। फिफ्थ उसे कम्युनिकेट करना, बाहर जिन जिन लोगों को रिक्वायर्ड है उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को भेजना, इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग साइकिल, पहला स्टेप क्या हो गया बेटा आपका, रिकॉर्डिंग, फॉलोड बाय क्लासीफाइंग, फॉलोड बाय समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो कुछ नहीं करना, जो ब्लैक पॉइंट्स हैं उसको आपको अपने नोट्स के अंदर एड ऑन करना है। ठीक है पक्का, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आया बेटा। पहले अकाउंटिंग का नाम क्या था आपका, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, अर्लियर अकाउंटिंग वॉज कॉल्ड स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। पक्का नेक्स्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का, कोई पूछे हमारे अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड में क्या आ गया, बुक कीपिंग भी बोलो, ऑब्जेक्टिव खाली ब्लैक पॉइंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, ये एसरटेनमेंट और रिजल्ट निकालना जो कि हम इससे देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना बैलेंस शीट से देखते हैं, और दूसरों को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह बनती हैं उनसे हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो खाली ये ब्लैक पॉइंट्स पर आपका ध्यान दिया। पक्का नेक्स्ट पे आ गया, क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। बेटा जो जनरल एंट्री होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं क्या है, बुक कीपिंग। उसके बाद के जितने भी हैं, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L, सारा काम क्या है, अकाउंटिंग। और इन दोनों का बाप कौन है, अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग खाली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद के सारे एस्पेक्ट कहाँ पे होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर, और ये दोनों ही चीज़ों को बोलते क्या है, अकाउंटेंसी। सबसे बड़ा वर्ड क्या है, अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे डिफरेंस याद करना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। बुक कीपिंग क्या है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग को देखते हैं, अकाउंटिंग में हम सारे प्रोसेस को देखते हैं ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ये बेस है रिकॉर्डिंग से अकाउंटिंग, इट्स अ बेस फॉर अकाउंटिंग। ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस में कोई भी काम करते हैं वाया अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म द ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का, इसका पार्ट नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर होती है। तो 6 पॉइंट है, आप किसी भी 5 पॉइंट को याद कर लेना, किसी भी 5 पॉइंट को, बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। इसकी सब फील्ड्स हैं ही नहीं, अकाउंटिंग की सब फील्ड होती है, अभी अगले टॉपिक में सब फील्ड्स की बात ही होनी है। पक्का तो इसके 5 पॉइंट याद कर लेना और दोनों के डिफरेंस के 5 पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, सब कुछ कॉपी में चाहिए मेरे को नोट्स के अंदर, ठीक है।